हेलो डियर बैंकर्स एंड एस्पिरेंट्स वेलकम टू अर ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज़ नीलम गहलोत योर रीजनिंग मेंटर और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अभी हाल फिलहाल में आपकी एक वैकेंसी आई है जिसको हम बोलेंगे कि एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी ग्रेजुएट्स के लिए तो वैकेंसी डिटेल्स क्या है बट उसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न था और उनके डाउट्स थे कि मैम इसमें स्टेनोग्राफी इस हमें सीखनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो ये आप लोगों का जो मुद्दा था कि आ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस सेशन से रिलेटेड इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं आपको कोई भी जानकारी जाननी हो तो आप उसको टाइप कर सकते हैं अपने इसी चैनल पर और आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा वहाँ से आप बाकी सारी चीज़ें कवर कर लीजिएगा बट जब वो सेशन हुए, तो सेशंस के के बाद एक मेन जो सारे स्टूडेंट दिमाग में था वो था हमें चाहिए या नहीं चाहिए क्या हमें शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा तो इसी आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए ये सेशन हमने किया है अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके तो चलिए मैं बिना आप लोगों का टाइम इन्वेस्ट किए मैं सीधे आपको लेके चलूंगी मेन जानकारी पर सबसे पहली बात ये 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 जो अपनी वैकेंसी है आपकी एक तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है ठीक है सरकारी जॉब है और उस सरकारी जॉब के बारे में बात करने से पहले ले 247 एप्लीकेशन जिसमें कि आपको हर एक चीज कंप्लीटली यहां पे फ्री कंटेंट आप लोगों को मिलता है तो इस एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा और इस फ्री कंटेंट का पूरा पूरा आप जो है इसका इस इसको यूज कीजिए और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा सो डू डाउनलोड दी एप्लीकेशन आगे बढ़ेंगे ये है हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब ये जो वैकेंसी आपकी आई है ये वैकेंसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर मैं बात करूं तो ये यूपीएससी इस वैकेंसी को केटर करेगा यानी कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बनेंगे वो है आपकी ई यानी कि एम्प्लॉयमेंट ई एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन तो ये सरकारी आपकी नौकरी लगेगी और अब इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है और ये क्या जॉब हमारी परमानेंट होगी हंड्रेड परसेंट ये आपकी परमानेंट जॉब है ग्रुप बी पोस्ट है आपकी मैं वो भी बता दूं कि इसके अंदर आपकी ये परमानेंट जॉब रहेगी ठीक है परमानेंट जॉब होने के साथ साथ ये ग्रुप बी पोस्ट आप लोगों की रहेगी और लास्ट लास्ट में मैं आपको इसका सैलरी भी बताऊंगी कि सैलरी पैकेज आप लोगों का क्या होने वाला है इसमें मोटा मोटा तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं आपको एक मोटी मोटी फिगर बताऊं तो सैलरी आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी है कितनी फोर्टी फाइव थाउजेंड आपकी बेसिक सैलरी है और उसमें आपका डियरनेस अलाउंस लगेगा आपका एच लगेगा आपका मेडिकल लगेगा और डियरनेस अलाउंस और ये एच आर ए मिलाकर अगर मैं मैं हमने मिनिमम जो कैलकुलेशंस करी है उसके बेसिस पे भी आपकी सैलरी जो है वो करीब करीब सेवेंटी से एट्टी के बीच में आपकी जो है मंथली सैलरी बनती दिखाई दे रही है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है अब इसके डिटेल्स क्या है वो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करती हूँ फिर हम सीधे बात करेंगे अपने मुद्दे की यानी कि स्टेनोग्राफी इसमें चाहिए या नहीं चाहिए तो सबसे पहली बात ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें यूपीएससी ईपीएफओ पीए नोटिफिकेशन 2024 7 मार्च को आपको नोटिफिकेशन हुआ है आउट और 7 मार्च से ही फॉर्म फिल होना शुरू हो गया था उसके बाद 27 मार्च इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है तो 27 मार्च शाम के छः बजे तक आप इस फॉर्म को लास्ट भर पाएंगे तो मेक श्योर करिएगा आप लोग कि आप टाइम रहते इस फॉर्म को भर दें ऐसा ना हो कि हम आ, लेट हो जाए फॉर्म भरने में क्योंकि आज आपके पास कितनी सोलह तारीख है तो अभी तो टाइम है सत्ताईस मार्च तक आपका लास्ट डेट देन एप्लीकेशन को एडिट करने का विंडो आपका इसको समय मिलेगा सत्ताईस तारीख को लास्ट डेट है उसके बाद अट्ठाइस से लेकर थर्ड अप्रैल तक अगर हमने कोई एप्लीकेशन में तो कोई मिस्टेक कर दी है तो वो मिस्टेक सुधारने का आपको टाइम मिलेगा अट्ठाइस से लेकर तीन अप्रैल तक तो इस टाइम में आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं अब आती है आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो सात जुलाई एग्जाम डेट आपकी पहले से बता दी गई है ये अच्छी बात है और आगे बढ़ेंगे तो अगली जानकारी है अब इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं क्या आप अप्लाई कर सकते हैं क्या आप इस अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप एलिजिबल हैं तो मैं बोलूँगी एलिजिबिलिटी हम दो तरीके से देखते हैं एक है अपना एज और एक होता है हमारा क्या एज के साथ साथ जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है आपका क्या वो होता है आपका क्वालिफिकेशन <coughs> है ना एज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी और बाकी जो आपके अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनका जाएगा तीस साल तो तीस तीस uh, साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट की मैं बात करूं तो हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी एज लिमिट जो रहेगी वो थर्टी इयर्स रहेगी यहाँ पे ये वेकेंसी डिटेल है आपके सामने दिस इज द वेकेंसी डिटेल और इसी के साथ में अगर एज डिटेल आप लोगों के सामने रख दूँ तो एज इनकी होगी थर्टी और जो आपके इसके अलावा ओ कैंडिडेट्स हैं ठीक है ये तो हो गई यू कैटेगरी की

पर्सन विध बेंचमार्क डिसबिलिटी तो उनका जो रहेगा वो रहेगा आपका कितना वो फोर्टी ईयर्स क्योंकि इन लोगों को मिलता है कितना दस साल का रिलैक्सेशन ठीक है तो ये आप लोगों की एज क्राइटेरिया तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं अब इसमें एक और बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि हम अपनी एज कैलकुलेट करें तो किस हिसाब से इस फॉर्म uh, में ऐसा कुछ मैंशन नहीं करा था एज के लिए जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने फॉर्म का जो लास्ट डेट है है ना 27 मार्च आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है तो 27 मार्च के दिन आप लोगों का ग्रेजुएट आप लोगों का ये इतना एज होना होना इतना ये आपके पैरामीटर्स जो है वो फॉल होने चाहिए अदरवाइज आपको जो है अदरवाइज uh, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे ठीक है तो ये आपको देखना है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग कब देखना है ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के हिसाब से आप इसको मेजर करेंगे ठीक है अब दूसरा पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका क्या

डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग ठीक है तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट के डेट के रिस्पेक्ट में आपको यह देख लेना है कि क्या आपकी बैचलर्स डिग्री पूरी हो रही है या नहीं अगर हो रही है तो अच्छी बात है आप फॉर्म फिल कीजिए नहीं हो रही तो फिर आप अगली बार ट्राई कीजिए अब इसमें दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में ये सेशन मैंने रखा था कि क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट थे डाउट था कि मैम स्टेनोग्राफी चाहिए या नहीं चाहिए अब देखिए ये आपके सामने जो क्लिपिंग है ना ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है जिसमें बहुत क्लियर शब्दों में एक बात बोली गई है क्या बोला गया यहाँ पे साफ साफ बोला गया डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टेन मिनट्स दस मिनट की आपको डिक्टेशन करनी पड़ेगी स्किल टेस्ट में आएगा आपका ये सेकेंड वाला केस तो जब आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपकी आपको डिक्टेशन आनी चाहिए आपसे 10 मिनट की डिक्टेशन कराई जाएगी 10 मिनट की डिक्टेशन होगी कैसे विद द स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको करना है और स्टेनोग्राफी में करना है यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है कि 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से स्टेनोग्राफी में आपसे डिक्टेशन करवाई जाएगी तो येसटेनोग्राफी yes, हमें सीखनी पड़ेगी शॉर्ट हैंड हमको सीखना पड़ेगा देन ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर वो पचास मिनट होगा इंग्लिश के लिए और सिक्सटी

क्या होती बट कुछ अगर कोई पहली बार इस तरह की चीज समझ रहे हैं तो उनके लिए स्टेनोग्राफी जो है वो क्या होता है कि आप जब कोई बोल रहा होता है जैसे आपने कोर्ट रूम में देखा होगा ना कि जब वेन द जज इज़ मेकिंग एनी स्टेटमेंट जब जज कोई बात कह रहा है या कोई और वकील कोई बात कह रहा है तो एक एक इंसान वहाँ पे बराबर से टाइप करता रहता है तो वो स्टेनोग्राफी में टाइपिंग होता है तो स्टेनोग्राफी का मतलब रहता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्राइबिंग द शॉर्ट हैंड ऑन अ टाइप तो बेसिकली जो शॉर्ट हैंड होता है शॉर्ट हैंड भाषा क्या होती है उसमें भी हमें डराउट होगा शॉर्ट हैंड होता है कि आप ना सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए या बेसिक बहुत कम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को अपनी बात में कहते हैं उसको हम शॉर्ट हैंड में लिखना बोलते हैं उस चीज को हम शॉर्ट हैंड में लिखना बोलते हैं ठीक है ठीके? तो उसी प्रोसेस को स्टेनोग्राफी कहा जाता है अब इसमें एक दूसरी चीज़ है शॉर्ट हैंड क्या होता है तो अब मेथड ऑफ़ राइटिंग क्विकली जल्दी जल्दी लिखने की प्रोसेस को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं तो उसमें आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो आपने देखा हो कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे लिखा हुई रहती है कुछ चीज़ें तो ये सब शॉर्ट हैंड भाषा है आपकी ठीक है अ मेथड ऑफ राइटिंग क्विकली दैट यूज साइंस और देखो यहां पे लिखा भी है कि ये शॉर्ट हैंड जो है वो तरीका है जिसमें आप साइन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप वर्ड्स को लिख सके ठीक है तो शब्दों को लिखने के लिए जब आप साइन का सिंबल का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम शॉर्ट हैंड में लिखना बोलते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपकी क्या इसी प्रोसेस को आपको कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफी हम कहते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो ये हुआ और इसमें एक और शब्द है जिसका शायद आप परेशान हो सकते हो तो मैंने मुझे लगा मैं इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और साथ में जो जो मैं अभी बोल रही हूँ इसको किसी को लिखना पड़े तो ये ट्रांसक्राइबर की जॉब हो जाएगी कि जितना

वो आपको लिख लिख कर देना होगा और वो जो लिखना होगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको तेज ते, जल्दी आपको लिख के चीजें देनी पड़े अगर ऑडियो को लिखना है तो शॉर्ट हैंड आना चाहिए स्टेनोग्राफी आप लोगों को आनी चाहिए तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या मैम हमें स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी जी हाँ आपको स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी अब मुद्दा ये है कि अगर हम अभी से स्टेनोग्राफी सीखना शुरू करें तो हमारे पास हम कितने टाइम में सीख जाएंगे तो देखिए स्टेनोग्राफी सीखने में आपको करीब करीब मैं बोलूंगी कि चार से छह महीने का वक्त आपको

आप अभी क्योंकि पेपर हमारा सात जुलाई को होना तय है रिक्रूटमेंट टेस्ट उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा तो तब तक आपके पास फिर से आपके पास समय होगा एक आध महीने का अपने आप को प्रिपेयर करने का तो अगर आज ही से हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बाकी टाइम अपना स्टडीज का लगा रहे किस पे हमारे रिटर्न टेस्ट पे ठीक है जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी इंग्लिश आएगी रीजनिंग आएगी क्वांट आएगा उस पर समय लगाइए और उस और रोज अभी से आप क्या कर सकते हैं कि आप दो दो घंटे अपने जो है स्टेनोग्राफी में दे सकते हो अभी से और फिर जब आपका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तब जब आपके पास एक महीने का वक्त होगा कम से कम क्योंकि यूपी यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन org, में आप जाएंगे तो करीब करीब रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आने में आपके पास एक से दो महीने का समय होगा हम दो महीने को भी साइड करते हैं हम एक महीने को लेके चलते हैं तो वहां पर भी अपना सात जुलाई को जब आपका पेपर होगा उसके बाद भी आपके पास एक महीने का टाइम होगा अब उस वाले टाइम में तो आपको अपना रिटर्न टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है रिटर्न टेस्ट हो चुका है तो उस एक महीने के टाइम में आप जितना भी समय हो सके उतने समय में आप उसको अपने आप को स्पीड अप कर सकते हो स्टेनोग्राफी सीखने के लिए तो ये सारी डिटेल थी तो मतलब बेसिकली अगर आज से आप सीखना शुरू करेंगे तो सात जुलाई तक आपके पास चार महीने हैं और फिर अगर जितना हमारा लेट रिजल्ट आएगा उतना टाइम हमें और मिल जाएगा तो मिनिमम एक महीने का टाइम तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा तो करीब करीब आपके पास पांच से छह महीने का वक्त आपके पास होगा स्टेनोग्राफी सीखने का और अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लें क्योंकि अच्छी खासी आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल रही है अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल है, इतना नहीं नहीं है, आप इजी है है है, ठीक आप आप आपकी आपकी कोई बहुत हेक्टिक वर्क नहीं है, तो तो आराम से इसमें अपने किसी और और की की, तैयारी भी कर सकते हो इस के रहते रहते, तो आपको करना चाहिए, और अब अगर मैं बात करूं, आपकी की, जो कि की हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है तो देखिए यहां पे इसके नोटिफिकेशन में जो आपकी बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी गाइस आप लोगों की बता रखी कितनी

बेसिक का पचास परसेंट आपको और मिलेगा यहां पे <coughs> वो उसमें ऐड हो जाएगा तो करीब करीब कितना 66 के आसपास आपकी सैलरी ऐसे बन गई डियरनेस अलाउंस लगा के फिर आपको एच आर मिलना वाला है तो एच के अगर आप मोटे मोटे या मिनिमम से मिनिमम हम 6000 भी लेके चले तो 72000 तो आपका ऐसे ही बन के निकल कर आ जाता है तो अगर आप केवल एक ग्रेजुएट हैं और आपका जॉब प्रोफाइल भी बहुत सिंपल आसान रहने वाला अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट सत्ताईस मार्च में आपको बता चुके आपको केवल ग्रेजुएट होना है 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 एज लिमिट भी आपकी 30 साल तो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से और सरकारी नौकरी आपको मिल रही है, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जरूर मोटिवेट करेंगे इस को, इस को फिल करने के लिए। अच्छा इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमने बैच लॉन्च कर दिया ठीक है बैच आपका ई का पर्सनल असिस्टेंट का बैच लॉन्च हो चुका है अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं और बैच की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं यू पी पर्सनल असिस्टेंट लाइव बैच ये सभी फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाएंगे और किस तरीके से इसमें तैयारी होने वाली मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा आपके पास टाइम है इसको प्रिपेयर करने का और अगर आप चाहें तो इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं ये आपका डिस्काउंट कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा और इस डिस्काउंट कोड को यूज करके हमें कितना इसमें किस फीस पे हमें ये बैच मिलेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूं आपको क्या करना है आपको जाना है अपनी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पे ठीक है अड्डा 247 फोर ऐप पे जाइएगा और अड्डा 247 फोर सेवन के अंदर हम यहाँ जाएंगे ऑल कोर्सेज में और इस ऑल कोर्सेज वाली टैब में हम चले जाएंगे यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एंड एस पे और उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी एस पे जाके आपको आना है कहाँ आप लोगों को आ जाना है हमारे इस यूपीएससी ईपीएफओ पे ये यूपीएससी ईपीएफओ आपको दिखाई दे रहा होगा ये अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम भी होगा कि मैम स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखे आपकी इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया है कि आपको हमने इस बैच के अंदर ही क्या कर दिया स्टेनोग्राफी के क्लासेस लगवा दिए गए हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे आप वहां से अपनी स्टेनोग्राफी की तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू कर सकते हैं अगर आपका डाउट ये है कि मैम स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखेंगी जिनको पहले से आती है जिनको शॉर्ट हैंड पहले से आता है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं ये बात कहूँगी कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं आपकी समस्या का समाधान ऑलरेडी कर दिया गया है तो इस बैच पे आप क्लिक करेंगे इसी बैच में हमने आपके वीडियो वीडियोस लगवा दिए हैं यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस वो होंगे जहां से आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं ठीक है तो इस बैच की डिटेल्स अगर मैं आपको दिखाऊं आप जैसे नीचे जाएंगे तो ये सारे बैच की डिटेल्स हैं और इसमें मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये कि ये सभी फैकल्टीज हैं और आप इनका एक्सपीरियंस भी देख सकते हो कि क्या एक्सपीरियंस है इन सब फैकल्टीज को जिन भी फैकल्टीज के साथ आप कनेक्ट होंगे अब यहां देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आपके रिकॉर्डेड विडियो रहेंगे आप लोगों को क्या कराने के लिए ये रिकॉर्डेड क्लासेस आप आप लोगों लोगों को को इसके अंदर मिलेंगी तो आप लोगों को कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं आपको कहीं अपने आप से नहीं सीखनी आप यहाँ पे इसके हमने रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे लगा दिए यहाँ से आप अपनी स्टेनोग्राफी को भी कवर कर सकते हैं और आज ही से कर सकते हैं तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे इस बैच के अंदर मिल जाएगा आपको ये सब कुछ नाउ अब बैच को बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बैच की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है स्टडी प्लान अगर आप देखना चाहते हैं बैच का कि कब क्या कैसे पढ़ाया जाएगा स्टडी प्लान पे आप जाइए यहाँ पे आपको स्टडी प्लान भी दिख जाएगा ये रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वांट का इंग्लिश का जनरल अवेयरनेस का ये सारे आपको यहाँ पे स्टडी प्लान दिख जाएंगे और बैच हम ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च से शुरू कर रहे हैं क्योंकि बीच में होली है तो होली वाली चीज को हमने साइड कर दिया है कि होली से सब क्योंकि बच्चे घर जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं अपनी अपनी जगह पे जहाँ से भी वो तैयारी कर रहे होते हैं तो होली वाली चीज को हमने साइड कर दिया है और आपका ट्वेंटी मार्च से बैच आपका शुरू हो जाएगा अब बैच में जुड़ने के लिए Y651, आप ये डिस्काउंट कोड लगाइए और अप्लाई टू टू नाइन नाइन में आपको इस बैच के अंदर सब कुछ मिल जाएगा यानी कि बैच के अंदर आपको अपना आपको लाइव क्लास के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी भी सीखने को मिलेगी ठीक है एंड दिस इज द फीस ऑफ द बैच और ये आपको फीस जो है वो पे करनी है टू टू डबल नाइन की ठीक है चलिए तो अगर इसके अलावा भी जैसे कि आप इससे पहले भी मैंने आपको बोला था तो मैंने सारा इसमें ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर कर रखिए पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है अगर आपको कोई भी डाउट होगा जस्ट सर्च सर्च कर लेना अपने इसी चैनल पे वीडियो आपके सामने आ जाएगी वहां से अपनी बाकी अगर कोई जानकारी ऐसी है जो मिस आउट हुई वो वहां से आप कवर कर लीजिएगा ठीक है और इसके साथ साथ अगर आपका आज भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन है जो शायद मैंने क्लियर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम आपके उस कन्फ्यूजन को जरूर दूर करेंगे सो थैंक यू एवरी थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय फॉर नाउ एंड हमारी क्लास जो यूट्यूब पर फ्री क्लास स्केड्यूल है जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था तो मेरा सेशन आप लोगों के साथ हुआ करेगा मंडे वेन्सडे मंडे को वेंसडे को और फ्राइडे को ये सेशन आपके आपके साथ साथ मेरा होगा एट 3 आपके अपने इसी चैनल पर तो मंडे फ्राइडे आप मेरे कनेक्ट करेंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए दोपहर तीन बजे और वहां पे हम इसी की तैयारी कर रहे होंगे और पूरा जो कोर्स है उसके लिए आई थिंक ये सारी डिटेल्स आपके सामने चलिए तो थैंक यू एवरीवन एंड यस आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करें तो जरूर फॉर्म भरिए और ये अपनी इस अपॉर्चुनिटी में आप बेहतर कर सकते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस